3 दिन सिर्फ आधा चम्मच दूध में उबाल कर पी लो। 100 साल तक बुढ़ापा, कमजोरी, अनिद्रा, थकान, कमजोर आंखें, कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों व घुटनों का दर्द, शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं। यानी सिर से लेकर पैर तक के अपने इस शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी हर तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, पाचन के लिए पेट और पाचन शक्ति के ठीक से काम न करने पर इसका असर आपके शरीर पर तेजी से पड़ता है। ऐसे में यदि आप इसे एक नुस्खे का सेवन करते हैं तब आपका पाचन तंत्र मजबूत बन जाता है जो बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि इस नुस्खे में मौजूद कुरकुमिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपकी आंत संबंधी बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं, जिससे आपको पाचन से जुड़ा कभी कोई भी रोग नहीं होता। और यदि आपका पाचन मजबूत होगा तब आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा। आपको ना तो पेट में गैस होगी, ना कब्ज होगी और ना ही ये एसिडिटी की समस्या होगी। यानी इतना चमत्कारी है इस आधे चम्मच को दूध में उबाल कर पीना। जोड़ों व घुटनों का दर्द, दोस्तों यदि आप इस एक नुस्खे को हर रोज बनाकर पीते हैं तो इसमें मौजूद कुरकुमिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो जोड़ों और गठिया के दर्द को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एंटी आर्थराइटिस गुण भी पाए जाते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, क्या आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं? दोस्तों, तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। बस आपने करना क्या है, अनिद्रा की बीमारी के लिए इस नुस्खे को आपने रात को सोते समय पीना है और यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि ये आपकी अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं या आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है? दोस्तों, तब भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है और दूध में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा ये नुस्खा हड्डियों के नुकसान या जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस की समस्या से भी आपको बचा कर रखते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी के लिए, दोस्तों इस नुस्खे में मौजूद कुरकुमिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, इसलिए इसे डायबिटीज की रोकथाम में बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा यह डायबिटीज संबंधी लीवर विकारों को भी रोकने में बहुत अधिक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कुरकुमिन डायबिटीज से संबंधित आम समस्या इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। और दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह समस्या बहुत अधिक प्रभावी पाई जाती है और अधिकतर मरीजों में पाई जाती है। यानी ये नुस्खा उनके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। यानी अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो यदि आप इस नुस्खे को हर रोज बनाकर पियेंगे तब आप इस डायबिटीज की बीमारी को तो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे, इसके साथ में इस बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं आप उन सब से भी बचे रहेंगे। वजन घटाने के लिए, दोस्तों यदि आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा, जिससे आपका मोटापा, आपकी यानी कि बड़े हुए पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का कारण ये मोटापा ही होता है। इस मोटापे के कारण हमारा पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, इस नुस्खे में हम ऐसे तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं जो आपके हृदय रोगों के लिए भी एक वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें मौजूद कुरकुमिन हमारे शरीर में साइटोकिन्स यानी एक तरह के प्रोटीन को हमारे शरीर से निकलने से रोकता है, जिनकी वजह से हृदय संबंधी रोग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज उत्पन्न होती है। वहीं इसमें हम अदरक का प्रयोग भी करेंगे। अदरक के इस्तेमाल से हृदय संबंधी बीमारी बढ़ाने वाले जोखिम के कारकों को कम किया जा सकता है। अदरक में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तब हमें ना तो कभी हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही हमें हार्ट अटैक आएगा। और उल्टा दोस्तों, ये नुस्खा हमारे हार्ट को मजबूत करने का काम भी करेगा। दोस्तों, इस नुस्खे को यदि आप हर रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये नुस्खा आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने
करने का काम भी करेगा, यानी आपके शरीर में जो भी खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम भी करेगा, और ये आपके लीवर को मजबूत बनाने का काम भी करेगा, क्योंकि इस डिटॉक्सिफाई के कारण हमारा लीवर मजबूत होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हम ज्यादातर तला भुना मसालेदार या जंक फूड खाते हैं, जिनका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है, जिसको हमें डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। दोस्तों, इस नुस्खे को हर रोज सुबह खाली पेट लेने से हमारे शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी, तब हम बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, यदि आप इसे एक नुस्खे को हर रोज सुबह खाली पेट का सेवन करते हैं, तब आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आपके शरीर में फौलादी ताकत का संचार होगा। दोस्तों, क्या आपको बुढ़ापा आ गया है या आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं और आप अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, जिससे कि आप 50 साल की उम्र में भी 20 साल के दिखाई दें, तब दोस्तों आपको इस नुस्खे का सेवन हर रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी और आपके चेहरे पर हमेशा ग्लो बना रहेगा। दोस्तों, क्या आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं? दोस्तों, तब भी यह नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाकर 6x6 कर देगा, जिससे आपकी आंखों से ये चश्मा हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। दोस्तों, इस नुस्खे की जो आवश्यक सामग्री है वो है दोस्तों हल्दी। और दोस्तों, हल्दी के फायदे कौन नहीं जानता, हर घर में इस हल्दी का प्रयोग होता आया है। हल्दी अपने प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुणों के कारण जान जाती है। इसमें कुरकुमिन पाया जाता है, जो हमारे शरीर की बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने में बहुत अधिक प्रमुख है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, आप हल्दी पाउडर की जगह यदि आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे, तब आपको उसके और भी बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। एक गिलास दूध, चुटकी भर दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा अदरक, एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, और आप स्वाद के लिए शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों, आप एक गिलास दूध को लेकर आग पर उबलने के लिए रख दीजिए। अब आप इसमें यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसको कूट कर डाल दीजिए, यदि आपके पास पाउडर है तो आप छोटा आधा चम्मच पाउडर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद दालचीनी, अदरक और काली मिर्च भी इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से उबाल दीजिए। आपने इस दूध को 3 उबाल देने हैं, और जब आपके 3 उबाल आ जाएं, तब आप इसको आग से नीचे उतार लें, और यदि आप इसमें मिश्री मिलाना चाहें तो ऊपर ही मिला सकते हैं, और यदि आप इसमें शहद का प्रयोग करना चाहें तो नीचे उतार कर आप शहद इसमें प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसको हल्का गुनगुना ही पी जाएं। और ये काम आपने सुबह खाली पेट करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव दिखाई देंगे। आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। आपको कभी बुढ़ापा और कमजोरी नहीं आएगी। आपकी थकान क्या है वो तो आप भूल ही जाएंगे। आप हमेशा एक्टिव फील करेंगे। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये पेट के रोग, मोटापा और दिल की बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।